गुड इवनिंग। हम लोग माँ नर्मदा गौमुख कुंभ आए हुए हैं। गाड़ी रोड पार्क करा दी है हमने। टू व्हीलर से आए तो थोड़ा आगे तक आ चुके हैं, फोर व्हीलर से आते तो बहुत दूर पीछे रखना पड़ता। कितने किलोमीटर? एक किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ा करना पड़ता। और यहाँ तो सजावट बहुत अच्छी है। यहाँ से कितनी दूर चलना पड़ेगा? दो किलोमीटर। हाँ सच्ची में जबरदस्ती का। बाहर से भी काफी लोग आए हुए हैं। देखिए पीछे से लगता है जाने का है। कई दिन से लगा हुआ है, 24 फरवरी से लगा हुआ है, 3 मार्च तक लगेगा। जिनको अभी भी आना हो 3 मार्च तक आ सकते हैं। प्रवेश द्वार है। बहुत सारी झांकियां भी हैं। गणेश जी से स्टार्टिंग हुई है। बहुत ही सुंदर गणेश जी। जय माँ नर्मदे। ये नर्मदा जी की मूर्ति है। क्या है? नर्मदा गौ कुंभ। यज्ञ स्थल है, यहाँ यज्ञ वगैरह हुआ है। पब्लिक बहुत है, काफी भीड़ है यहाँ तो। बहुत पब्लिक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज तो सैटरडे इसलिए ज्यादा भीड़ है। सैटरडे इसलिए ज्यादा भीड़ है। आप कई जगह बनाए क्या यज्ञ? किधर भी बनाया है। सभी संत महात्माओं के अलग अलग होंगे यज्ञ। जितने भी महात्मा लोग आए ना यहाँ, यज्ञ सारा बहुत है अलग अलग जगह में। यहाँ अभी अभी बन हुआ भी। जगह अलग अलग यज्ञशाला बनी है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, और सब लोग वहाँ हवन किए हैं। आप पीछे देखिए, यहाँ लोग ही लोग दिख रहे हैं, लेकिन मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। यहाँ सभी अच्छे से कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठा कहीं नहीं हो पा रही है। काफी बड़ा ग्राउंड में है। आरती अभी होने वाली है। काफी लंबे उसमें बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। नालों को नहीं बंद करना, दो ही काम करना है, गंगा जी हो, यमुना जी हो, नर्मदा जी हो। 1.25 करोड़ नर्मदेश्वर शिवलिंग बने हुए हैं यहाँ। 5-5 आदेश है कोर्ट के कि किसी भी नदी के धारा को 30% आपको छोड़ना ही होगा। न तो पूरा उसको बंद कर सकते हैं, न पूरा डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नदी की लाइफ के लिए और नदी में रहने वाले जीव जंतुओं की लाइफ के लिए कोर्ट का आदेश है। लेकिन उस कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? गंगा जी में गंगा जी का पानी क्यों नहीं आ रहा है? यमुना जी में यमुना जी का पानी क्यों नहीं आ रहा है? और चार प्रदेश में नर्मदा जी के द्वारा जीवन की प्राप्ति हो रही लोगों को हमारा कर्तव्य है। सब आकर्षक के केंद्र बनाए गए हैं और सरकार का कर्तव्य है गंगे नाम। जहाँ 12 करोड़ का प्लांट लगने वाला लगाना चाहिए, जो 12 करोड़ का प्लांट 18 लाख में लग गया। और शिवराज सिंह ने अपने मंत्री को भेजकर देखने के लिए ये सारे प्रयास हम लोग सचिव करते करें तो हमारा मतलब हमेशा निर्मल रहेंगे और संगत रहेंगे। जितना भी कहते हैं
ऊपर ऐसे स्क्रीन लगा दी है। बहुत सारे जगह से आए हैं संत महात्मा, ये संतों का महासम्मेलन है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। गोदावरी खंड, ये सब खंड बने हुए, सिंधु खंड, यहाँ चल के देखते क्या है। जितने भी संत आए हुए हैं उनके रुकने के लिए ये बना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ अंदर मिलने जा सकते हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, कावेरी खंड के अंदर जा रहे, देख रहे हैं, सबके दर्शन यहाँ कर सकते हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं। यहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई है भाई, संत महात्मा आए हुए हैं। नहीं, लाइन में नहीं जाएंगे हम, उनको यह अखाड़ा है तो उनके दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, तो हम तो नहीं जाएंगे, बहुत लंबी लाइन है बाबा। टाइम भी हो गया है, वैसे सही टाइम है खाना खाने का, 7:30 बज रहे हैं, ये अपने से खाना बना रहे हैं, बुला रहे हैं। मुझे डर लगता है, मैं तो नहीं जाती हूँ, बस मैं तो दूर से ही। सबको बुला बुला करके लोगों के मन में श्रद्धा बहुत ज्यादा है भाई, श्रद्धा को चुनौती नहीं देना। भाई तो श्रद्धा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो दूर से ही प्रणाम बाबा जी। साफ सफाई और व्यवस्था बहुत अच्छी है, इतनी भीड़ होने के बाद भी सब व्यवस्थित है, कचरा कहीं नहीं है, सफाई अच्छी है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं।